देखिए गाइस, अब मेरे पास मेरा फोन खो गया था, पता है, तो क्या रहने को मैं सुबह ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती थी कि क्या क्या है यहाँ पे। अभी जस्ट 9:30 बजे हमारी बस मिली है और मुझे मेरा फोन मिला है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ हम लोग बालाजी में हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रात के टाइम पे जगह जगह सामान बिक रही है, पूरा मार्केट भरा पड़ा है। ये देखिए कोई भी सामान ले लो, बट सामान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट लेने के लिए अच्छा है। और ये मेरी भतीजी है, हेलो बोलो। हेलो। पापा बहुत खुश है क्योंकि इनका फोन मिल गया और मैं इन्हीं के फोन में ही वीडियो बनाती हूँ, और ये बहुत ज्यादा खुश है। देखो चेहरे की खुशी तो देखो भाई, फोन होता है ना, आज हमें पता चला कितना बुरा लगता है, कल 12 या 15 घंटे बाद हमारा फोन मिला है, तो हमसे पूछो क्या हाल हो रहा है हमारा। इतनी खुशी हुई जैसे फोन मुझे मिला मेरा, मैं तो बस फोन को इतना हक करी, इतनी खुशियाँ करी मेरे फोन को, पूछो मत। हाँ ये देखो मार्केट, बैक कैमरा वाला भी मैंने कोई डाउनलोड नहीं करा, ये देखो इतनी अच्छी मार्केट है, जगह जगह सामान है। और अभी मैं आपको बालाजी का मंदिर दिखाती हूँ, मेन जगह पे भूत प्रेत पता नहीं कैप्चर करना अलाउड है कि नहीं, शायद मैं नहीं करूँगी कैप्चर, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, फिर भी देखिए। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी, ये है बालाजी में रात के 10 बजे का नज़ारा, हम लोग रात के 10 बजे बालाजी में बाहर घूम रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो देखो मेहंदी के उल्टे छापे। और यहाँ पे हमने वो एक धर्मशाला बुक करी थी जिसका टाइम ओवर होने वाला है, तो हम लोग दूसरी वाली धर्मशाला देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे रहने वहने की तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों को जगह जगह धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, 200, 250, 300 जैसी आपकी कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से आप लग्जरी में रहना चाहते हो तो 1200 के भी कमरे हैं, आप अपना लोकल रहना चाहते हो तो 250 तो मिनिमम है ही है, 200, 250 ऐसे, अगर आप लोकल में रहना चाहते हो लोकल में भी आपको एक बेड ऐसा मिल जाएगा, बाकी अगर आप VIP में रहना चाहते हो तो 1200-1500 ऐसे के आपके होटल भी बुक हो जाएंगे। और मेन बात यहाँ पे वेदांता होटल है, अगर आप लोग ज़्यादा VIP हो तो यहाँ पे वेदांता होटल है, हमने तो पहली बार देखा, नहीं तो मतलब सोना के पापा जहाँ पे काम करते हैं वो वेदांता होटल का ही मालिक है, उसी से हम बुक करवा लेते, बाद में पता चला हम लोगों को। अब हम धर्मशाला के अंदर घुस रहे हैं, तो देखिए धर्मशाला, ये धर्मशाला है, यहाँ पे कमरे उमरे हैं, अब यहाँ पे हम लोग को लेना है, पहले पता होता तो इनके जानने वाले हैं वो वेदांता होटल के मालिक, उन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं ये, तो हम वहाँ पे बुक कर लेते हैं। ये देखो मेरा हलवा, मेरा जलवा, मेरा सोना यहाँ पे बैठा हुआ है, हेलो बोलो, हेलो गाइस। चंदन बहुत अच्छा लग रहा है, देखो गणपति बप्पा जैसा लग रहा है। हाँ चलो चलो चलो, यहाँ से हम लेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ जानने वाले भी मिल गए थे, वहीं आए हुए हमारे गांव के ही हैं, उत्तराखंड के ही भी। कहाँ पे महाराज जी? हाँ वो महाराज जी हैं, ये मेरे जेठ जी हैं, मतलब सारे यहाँ पे जेठ जी हैं, ये मेरे हस्बैंड जी हैं। अब मेरी सोना देखने गई है कि छोटा सा सिलेंडर पहली बार उसने देखा होगा लाइफ में, तो देखने गई है चमत्कार है क्या है। वो देखो जी निकाल निकाल के देख रही है कितना छोटा सिलेंडर। तो ये देखिए इस टाइप की है यहाँ पे धर्मशाला, इस टाइप के सारे रूम है यहाँ पे, आप लोग कहीं पे भी कितने में भी 250-300 रुपये में धर्मशालाएं बुक कर सकते हो, अच्छी अगर अच्छी सी बुक करनी है तो अच्छी भी धर्मशाला आपको मिल जाएगी। और ये बच्चे हैं कह रहे हैं हमें भी चाची वीडियो में दिखाओ, ये तो आपको पता ही है सोना है, वो मेरी भतीजी है, मतलब दोनों ही अपने बच्चे हैं। ये है
बच्चे बहुत जल्दी गुम होते हैं भीड़ भाड़ के चक्कर में, तो आप लोग अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें, एक बार को वीडियो बनाना छोड़ दें लेकिन बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे कल भी एक बच्चा गुम हुआ था और आज भी एक लेडीज़ का बच्चा गुम हो गया है, तो भाई बच्चों का तो खास करके ध्यान रखें। तो अभी दर्शन करके चाय पानी के लिए आए हैं, लस्सी भी नहीं, ब्लैक टी बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे दूसरे प्रॉब्लम होती थी दूध वाली चाय से और छाछ वगैरह मैं पी नहीं सकती हूँ, तो अब हम किसी और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। और हम लोग तो अपनी चप्पलें उपले निकाल कर आए हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा रोड़ी बजरी चुभ रही है। आप लोग भी जब भी आते हैं दर्शन करने के लिए तो अपनी चप्पलों को मतलब जहाँ आप रुके हैं वहीं पे निकाल कर आइए, क्योंकि बार बार कहाँ निकालते फिरेंगे आप चप्पल, और ज़्यादा स्टफ भी अपने साथ मत लाइए जब आप दर्शन के लिए आते हो तब। तो फाइनली अब मुझे ब्लैक टी मिल गई है, एक अंकल हैं वो बनाने के लिए एग्री हो गए हैं, अब वही ब्लैक टी बनाएंगे। बाकी यहाँ पे बालाजी में आपको सामान खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप कितना भी पैसा लाओ यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि आपको दिन में तो बहुत कम लेकिन शाम के टाइम पे ऐसी चीज़ें चमकती हैं अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि दिन में तो ये सब कुछ उतना अट्रैक्ट नहीं करता लेकिन रात के टाइम पे इतना अट्रैक्ट करती हैं, सारी चीज़ें से चमकती हैं कि मन करता ये भी ले लो वो भी ले लो। फिलहाल तो अभी हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं करी, अभी तक हम लोग बस खा पी रहे हैं और कुछ खरीदा नहीं है, इसलिए सभी यही कह रहे थे कि यहाँ से कुछ खरीद के ले जा नहीं सकते। फिर अभी मेरे जेठ जी उन्होंने बताया कि आप यहाँ से खाली प्रसाद नहीं लेके जा सकते हो, बाकी सब आप यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हो, तो हो सकता है कल अभी शाम के टाइम पे हम लोग शॉपिंग करें, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। और ये मेरा ब्लॉग जो है 4 से 5 पार्टीशन में आएगा, क्योंकि एक पार्टीशन में आना आ ही नहीं पाएगा, इतना लंबा ब्लॉग है, कम से कम 1-1.5 घंटे का है, तो ये मैं कम से कम 5-5 मिनट का डालूंगी, तो कम से कम 4-5 पार्टीशन में आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे ये देखिए छाछ बहुत अच्छी मिलेगी, मैं नहीं पी रही हूँ, मेरी बुद्धि जी है वो पी रही, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 40 रुपये का एक ग्लास मिलेगा, बहुत टेस्टी होती है। और ये मेरी कुल्हड़ में चाय आ गई ब्लैक। हनुमान जी आज भोग लगाते हुए हमने हनुमान जी को खीरा दिया। हनुमान जी ये अब हम जा रहे हैं सात पहाड़ी के लिए, रास्ता इस तरीके का है, अभी स्टार्टिंग हुई है, हैं सात पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हुई है।